नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। टीकाकरण महाअभियान, मध्य प्रदेश में आज महाअभियान वैक्सीनेशन का चलाया जा रहा है। चौथा चरण है आज और अब कोई ना छूटे की तर्ज पर वैक्सीनेशन महाअभियान 4.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। भोपाल के लाल घाटी स्थित मानस उद्यान सेंटर से इसकी शुरुआत की गई है। प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा सेंटर पर पात्रों को टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश में 78 लाख लोगों को पहली डोज लगना बाकी है। भोपाल में महाअभियान में 620 टीम को वैक्सीनेशन करने के लिए 70,000 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए कुल 6,11,08,433 डोज लगे हैं। इसमें पहला डोज जो है वो लग चुका है 4,70,00,000 से ज्यादा लोगों को, और दूसरे डोज की बात करें तो 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को ये डोज लग चुका है। प्रदेश में कुल पात्र अनुमानित आबादी 5,49,00,000 है और इसके अनुसार अभी तक करीबन 78 लाख लोगों को पहली डोज लगना बाकी है। सरकार ने सितंबर महीने में सभी पात्र लोगों को पहली डोज और दिसंबर 2021 तक दोनों डोज लगाने का टारगेट तय किया है। अब पहला डोज का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए बाकी के 4 दिनों में हर दिन में अगर 19.56 लाख इतने लोगों को अगर वैक्सीनेट किया जाएगा तो ही ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंदौर, भोपाल, आगरमालवा और हरदा जिले में वैक्सीन का पहला डोज 100% का टारगेट पूरा हो चुका है। तो कुछ जगहों पर यह टारगेट पूरा हुआ और कुछ जगहों पर पूरा नहीं हो पाया है, और इन्हीं जगहों पर इस टारगेट को पूरा करने के लिए यह महाअभियान है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का चौथा चरण जारी है। प्रदेश सरकार ने पहली डोज का 100% का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ किया और सीएम ने बताया कि रविवार तक 6,11,00,000 डोज लगाए जा चुके हैं। 4,87,00,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 18 साल से ज्यादा लोगों में, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें, उनमें 86% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सीएम ने टीकाकरण अभियान में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है। भोपाल के वरिष्ठ नेता, पूर्व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान आलोक शर्मा जी, गुना शिवपुरी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय केपी यादव जी, भाई मनोज जी, यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, प्रशासन के मित्रों, अब कोई न छूटे इस संकल्प के साथ आज वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक कल की स्थिति तक 6,11,23,864 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। पहला डोज 4,70,86,192 को और दूसरा जो डोज अभी 1,40,37,672 भाई बहनों को लगा है। अब तक 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है ऐसी जनसंख्या के विरुद्ध 86% प्रथम डोज लग चुका है। 86% भाई बहनों को ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश आज पहले डोज के टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का चौथा चरण जारी है। प्रदेश सरकार ने पहले डोज के 100% के टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की है। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। 95 साल की बुजुर्ग महिला से बात की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने।
जी आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? रुकमणी मालवीय। मणि जी आप बताइए, आप वैक्सीन लग गई है आपको? हाँ, मेरे को दोनों डोज लग चुके हैं और ये हमारे इनको लगवाना था, दादी को उनको लगवाया है। कि कितनी उम्र है? 95 है, पहला डोज लगाया है। हाँ चलिए, तो 95 95 वर्ष की उनकी उम्र है और आज वो भी वैक्सीन लगवाने जो है पहुंची है। जी को देखते हो मुफ्त वैक्सीन का, क्या नाम, आप इनसे बात कीजिए। अम्मा ये आपको वैक्सीन लगी है, अभी चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा आपको? वैक्सीन लगवा लिया आपने? कौन सी वैक्सीन लगवाई है? पहला लगा कोरोना की? पहला है। सभी से कहेंगे कि वैक्सीन लगवाइए? सभी नहीं आई, मैं कल नहीं आई थी। नहीं, आप ये बोलिए, आप सबको बोलिए कि वैक्सीन लगवाइए। लगानी। वो भी एक मैसेज देने की कोशिश करी है, 95 वर्ष इनकी उम्र है, कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है उन्हें कम से कम पहला डोज तो लग जाए। ब्यूरो न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो देखिए, वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं बैतूल से वैक्सीन लगाने वालों का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर लोग अपनी जान पर खेलकर, यानी कि स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बना रहे हैं। छिंदवाड़ा के पिंडरई कला में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर उफनते नाले को पार करके 18 लोगों को टीका लगाने के लिए टीम पहुंची। तीसरी तस्वीर आपको जागबुआ की दिखा रहे हैं, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत पलाश डोर के दूरस्थ फलिया में ऐसे टीकाकरण दल को मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंचना पड़ा। तो देखिए, महाअभियान जारी है वैक्सीनेशन को लेकर। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं, इसके साथ ही दीप्ति चौरसिया भोपाल से जुड़ गई हैं और दुर्गेश जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीप्ति, आपके पास में आते हुए, भोपाल में कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन का ये महाअभियान, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि 100% लोगों को आज वैक्सीनेट किया जा सके, कम से कम पहली डोज तो सबको लग जाए। बिल्कुल, आज जो वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने करी है और ये महाअभियान का जो है फोर्थ चरण है। लगभग लगातार कुछ कुछ दिनों में इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार टारगेट लेके वैक्सीनेशन कर रही है, तो आज ये चौथा चरण है उस महाअभियान का, और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी शुरुआत करी है। और जिस तरीके से आप देख रहे थे कि 95 साल की एक बुजुर्ग महिला ने वैक्सीन लगवाए, और पूरे मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊँ कि पूरे लगभग 650 के आसपास जो है टीमें बनाई गई हैं जो वैक्सीनेशन कर रही हैं, और 79 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगाने का टारगेट है। तो अभी तक जो वैक्सीन लगी हैं उसमें जो पहला डोज है वो भोपाल में तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, 100% लोगों को पहला डोज लग चुका है। तो अब यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो दूसरे डोज के लिए होगा, कि दूसरे डोज के लिए कितने लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि लगभग जो 5 करोड़ वैक्सीन लगे हैं उसमें पहले डोज की संख्या ज़्यादा है लेकिन दूसरा डोज लेने वालों की संख्या कम है। तो कुछ लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक दूसरी बार नहीं पहुँचे थे, कुछ का जो है समय का जो गैप जो बताया था 84 वीक का वो पूरा होना है। तो अभी सेकेंड डोज पे भोपाल में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और लगभग सभी सेंटरों पर लोग पहुंच रहे हैं और सभी जगह वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल बिना किसी रुकावट के लगातार चल रहा है। जी दीप्ति, आप बने रहिए हमारे साथ, विनोद भी लगातार जुड़े हैं ग्वालियर से। ग्वालियर की बात करें हम, विनोद, तो यहाँ पर कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान और क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और क्या टारगेट है आज का कि इतने लोगों को अगर वैक्सीनेट किया जाएगा तो 100% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे ग्वालियर में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर में भी चौथे चरण का वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसमें एक टारगेट फिक्स किया गया है और ग्वालियर में आज के दिन लगभग 52,000 लोगों को टीकाकरण किया जाना है। खासकर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही डोज लगाए जा रहे हैं। पिछली बार जो तीसरा टीकाकरण का अभियान था उसमें केवल 10 या 11 सेंटर ऐसे थे जहां केवल और केवल कोवैक्सीन भी साथ में लगाई जा रही थी, लेकिन आज ये संख्या बढ़ा दी है। जो टीकाकरण अधिकारी हैं गुप्ता, आर के गुप्ता, उन्होंने ये बताया कि आज लगभग 50% सेंटर ऐसे हैं जहाँ दोनों लगाई जा रही हैं। मैं इस समय ग्वालियर के थाटीपुर हॉस्पिटल के टीकाकरण केंद्र पर हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डॉक्टर स्वेच्छा मिश्रा है मेरे साथ जो यहाँ टीकाकरण का काम भी देख रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लगभग 200 के करीब टारगेट यहाँ पे बताया है, अभी कितना हो गया है और पहला और दूसरा डोज क्या है?
76 हो गया है, पहले दूसरा कैलकुलेशन चल रहा है, मैं अभी देख के बता दूंगी कंप्यूटर पे है, बाकी 76 टोटल हो गया है हमारा, जिसमें से 50 करीब कोविशील्ड का है और 24 करीब कोवैक्सीन का है। महिलाओं की संख्या यहाँ पे आज कुछ ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आज का अभियान खास करके गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए चलाया गया है, इसलिए उनकी संख्या हम लोग उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, हमारी आशाएं सरकार की तरफ से BLO ये सब इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मोटिवेट करके भेज रहे हैं, और बाहर भी कई सेंटर्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे वो लगवा सकती हैं। कोई आशा कार्यकर्ता है आपके साथ जो अभी इस काम, आप आशा कार्यकर्ता हैं, लोगों को जब आप सेंटर तक लाती हैं तो किस तरह उनसे कहती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं थी जो टीका नहीं लगवा रही थी पहले। मैं आशा कार्यकर्ता लीडर प्रिय बार 22 से हूँ, हम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपके लिए और आने वाले बच्चे के लिए भी ये टीका लाभकारी है, वो आज धात्री माता को भी ला रहे हैं और आई भी हमारी लगवाने के लिए, उनको समझाया है मैंने तो वो लगवा रही, उनका 1.5 साल का बच्चा है और ज्यादातर सभी महिलाएं समझदार हैं, वो आ रही हैं लगवाने। अच्छा, जो समझदार महिलाएं नहीं है उन्हें समझाना मुश्किल होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन जो उनके पति समझ जाते तो वो लाते भी हैं यहाँ पे समझाने के लिए कि मैडम बोल रही हैं, फिर हम अपनी मैडम स्वेच्छा मैडम के जरिए लाते हैं, ये समझाती है तो वो समझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए खासकर गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो महिला डॉक्टर हों या आशा कार्यकर्ता हों, और उन्हें केंद्र तक लाना एक कह सकते हैं बड़ी समझाना पड़ता है, तौर तरीके से उनको बताना पड़ता है उनके फायदे क्या है। बिल्कुल विनोद, समझाना पड़ता है उन्हें कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि कई बार लोगों में भ्रम फैल जाते हैं। विनोद, टारगेट पूरा हो जाएगा जी। विनोद आप बने रहिए हमारे साथ, दुर्गेश भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जबलपुर में क्या अलग किया जा रहा है? दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करें, यहां पर किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है कह सकते हैं, या फिर जनप्रतिनिधि भी लगातार ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, पहली डोज तो जरूर लगवाइए, क्योंकि आज का टारगेट यही है कि 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। आप बिल्कुल देखिए, जबलपुर में भी यही कोशिश लगातार जारी है कि 100% वैक्सीनेशन की ओर जबलपुर जिला बढ़े, और आज भी इसी टारगेट को पूरा करने के लिए कई तरह के वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, मोबाइल वैन बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर उन गली कूचों में जाकर जहां से लोग अभी तक वैक्सीन केंद्रों तक नहीं निकले हैं वहां तक जाकर लोगों को ढूंढकर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी स्वास्थ्य महकमे से रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन केंद्र मौजूद हूं और यहां पर भी धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, एक एक दो दो की संख्या में लोग यहां पर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं और लोगों में वैक्सीन के प्रति उत्साहित है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक मिनट आइए, आप कौन सा डोज लगवा रहे हैं इस समय? सेकेंड डोज लगवा रहे हैं। पहले डोज के बाद लोगों को बोला था आपने कि आप लोग भी लगवाइए? हाँ जी जी। तो इस तरीके से लोग बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज के लिए भी आ रहे हैं। मेरे साथ केंद्र प्रभारी हैं यहाँ पर। आज का कितना टारगेट रखा गया सर जबलपुर के लिए, इस केंद्र के लिए, और क्या लोगों में उत्साह देख रहे हैं आप? ये नूतन मराठी केंद्र हमारा जो है, इसमें आज के लिए हमको 200 डोज दिए गए हैं, कल भी 200 डोज दिए गए थे जो कि करीब 1:45 तक कंप्लीट हो गए। 1:45 तक? अभी कितना लग गया? अभी 100 क्रॉस कर चुके हैं। कितने डाले? 110 हो चुके हैं। 200 डोज का टारगेट इस केंद्र को मिला है और 110 अब तक डोज जो है लग चुके हैं, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और वो वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाना। लेकिन जो चुनौती है प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने, वो चुनौती ये है कि पहले डोज को तो लगभग हम टच करने वाले हैं 100%, लेकिन जो सेकेंड डोज को लेकर लोगों में जितना उत्साह होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस स्वास्थ्य महकमे को ज्यादा करना होगा शहरी इलाकों के बनिस्बत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेंड डोज को लेकर लोगों में जितना उत्साह होना चाहिए था उतना नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कोशिश यही है कि दिसंबर तक सेकेंड डोज को भी पूरा करना है, लेकिन पहली प्राथमिकता आज जिस तरीके से टारगेट जबलपुर में रखा है, 79 से ज्यादा वैक्सीनेशन केंद्र शहर में बनाए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया गया है, मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन घरों घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो टारगेट यही है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ग्रामीण क्षेत्रों का जैसा कि आपने जिक्र किया दुर्गेश, सही कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस करना जरूरी है। दीप्ति भी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। दीप्ति देखिए, भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल में कैसे की गई है ये व्यवस्था, क्योंकि सीएम खुद ये कहते नजर आए कि अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते तो घर आकर आपको टीका लगाया जाएगा, तो भोपाल में किस तरह की व्यवस्था है ताकि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे सरल बनाया जा सके? Uh,
देखिए, इस तरह के कई सारे प्रयोग पहले भी किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोर्थ स्टेज है, तो इसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो इस बात की जिम्मेदारी जो है वहाँ के लोकल हेल्थ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारी हैं उनकी तो है ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उन्होंने बात पहले ही कही थी कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनका वैक्सीनेशन घर पे चलाने की व्यवस्था करें। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं बीजेपी के, वो भी साथ में हैं कि किस तरह उन पे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो फिर वो घर जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हालांकि इस तरह से घर जाके वैक्सीनेशन जैसे केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सेकेंड डोज पर ज़्यादा प्रिफर किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोपाल में 100% वैक्सीनेशन पहले डोज का हो चुका है, आसपास की जो पंचायतें हैं फंदा वगैरह वहाँ पर भी 100% हो चुका है, लेकिन सेकेंड डोज को लेकर लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या फिर कहें कि लोग बहुत उत्सुक उसमें नहीं है। कहीं ना कहीं या तो पहला डोज लगा के सेकेंड डोज के लिए सेंटर तक नहीं पहुंचे, या फिर सेकेंड डोज को उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि अभी तक जो है जितने भी डोज लगे हैं उसमें जितना टीका लगा है लगभग 5 करोड़ 4 पॉइंट समथिंग करोड़ तक जो है फर्स्ट डोज लग चुका है, लेकिन इसमें जो सेकेंड डोज है वो जो है 1.5 के आसपास करोड़ लोगों को ही लगा है। तो सेकेंड डोज को लेकर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है, चूंकि जैसा मैंने आपको भोपाल बताया कि 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन था तो सेकंड के लिए किया जा रहा है। इसमें यही व्यवस्थाएं हैं मेन, तो कि अगर कोई दिव्यांग है जो नहीं पहुंच पा रहा है, कोई बुजुर्ग है जो नहीं आ पा रहा है, तो वो सेंटर तक खबर कराए, और सेंटर तक जब ये मैसेज जाता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनके घर पर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। और इसमें काफी हद तक ये भी हो रहा है कि जो वहां के लोकल लीडर हैं, वहां के पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस किसी के भी लीडर हैं या कार्यकर्ता जो भी हैं बीजेपी के, वो उन लोगों को भी लेकर जो है कुछ दिव्यांगों को लेकर पहुंच रहे हैं, या कुछ बुजुर्गों को जो नहीं आ पा रहे, जिनके परिवार में कोई लाने की सुविधा नहीं है, वो उनको लेकर आ रहे हैं सेंटर तक और वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं सभी तरह की है, सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, सेंटर्स भी हैं, घरों के पास भी सेंटर बने हुए हैं। इसके अलावा घरों पर जो नहीं आ सकते उनके लिए भी पूरी तरह से टीम भेजे जाने की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा टारगेट है फोकस उसी पर है, क्योंकि अभी भी थर्ड वेव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि केसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं, ये एक अच्छा संकेत है, और इस तरह की बात भी आ रही है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, और अगर थर्ड वेव की आशंका नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हाल फिलहाल जो है किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। तो उससे बचने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अभी भी वैक्सीनेशन के टारगेट को मध्य प्रदेश सरकार ने अभी छोड़ा नहीं है, लगातार टारगेट के तौर पर वो कर रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज फोर्थ स्टेज है, चौथा चरण है, और अगर इसके बाद भी कुछ बचते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार इसको अलग अलग चरणों में जो है और वैक्सीनेशन करेगी, क्योंकि जब पहला चरण रखा गया था 21 तारीख को जून में, तो उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दिन में जो है लाखों डोज लगे थे। तो इस तरह से उसके बाद जो है इंस्पायर होते रहे, तो होते होते आज ये फोर्थ स्टेज का है, और अगर ज़रूरत हुई तो आगे भी इस महाअभियान को इसी तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ये टारगेट था कि 27 तारीख तक पहला डोज सभी को लग जाए। तो कुल मिलाकर भोपाल में व्यवस्थाएं भी पूरी हैं, 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लग चुकी है। आप बने रहिए दीप्ति हमारे साथ, साथ ही विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की हम बात करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जागरूकता थोड़ी सी ज्यादा है लोगों में, और लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पहली डोज ले भी ली है, और ग्वालियर के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें उस वहां को लेकर क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर नदी नालों को पार करके स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है, तो ग्वालियर में कैसी है व्यवस्थाएं? अगर ग्वालियर ग्रामीण इलाके की बात करते हैं तो ये बात सही है कि ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन का प्रतिशत उतना नहीं था जितना शहरों में हुआ था, लेकिन आज जो चौथे चरण में इंतजामों की बात करें हम, तो स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 84 मोबाइल वैन लगाई हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर मोबाइल वैन ग्रामीण इलाकों में रहेंगी, जो कि गाँव गाँव पंचायत पंचायत में अभी अपना काम भी कर रही हैं।
क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि ग्रामीण इलाके के लोग टीकाकरण केंद्रों तक जाना नहीं चाहते या जो जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अफवाह या भ्रम की स्थिति को लेकर अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा तो टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और उसके बावजूद मोबाइल वैनों का इंतजाम किया गया है जो टीकाकरण में लगी हुई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 50,000 का 52,000 का आज टारगेट रखा है वो शायद पूरा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ टारगेट पूरा करने के बाद ग्वालियर में वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए कहीं ना कहीं और भी चरण बढ़ाने पड़ेंगे या चरण नहीं बढ़ाने पड़ेंगे तो नित्य प्रतिदिन ये काम करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य विभाग ने अब इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि अब मोहल्ले महल्ले और कॉलोनियों में भी छोटे छोटे टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ लोग आसानी से हफ्ते 10 दिन में अपने इलाके का पूरा टीकाकरण करवा लें, तो ये लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संसाधन भी बढ़ाए हैं और संसाधनों के साथ साथ लोगों तक मोबाइल वैन पहुंच भी रही है, जिससे कि इस अभियान जरूरी को भी जल्दी ही सफल बनाया जा सके। सही कह रहे हैं आप विनोद। और दुर्गेश, जबलपुर की हम बात करें टारगेट को लेकर, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि टारगेट जो रखा गया है उस टारगेट को अगर पूरा किया जाएगा तभी जो है 100% लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। क्या लगता है टारगेट आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि करीबन हम कह सकते हैं कि अब 12:30 बज रहे हैं, तो 12 से 12:30 बजे तक अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? साथ ही जो लोग वहां मौजूद है उनसे बात भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जबलपुर की हम बात करें तो लगातार टारगेट अचीव करने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने इसी केंद्र के प्रभारी से जब बात की थी अभी, तो उनका कहा कि 200 वैक्सीन टारगेट लगाने का उनको लक्ष्य आज मिला है और 110 से ज्यादा वो वैक्सीन लगा चुके हैं, यानी कि इसका मतलब साफ है कि लोगों में उत्साहित है और लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने। लेकिन ये शहरों की बात है, देखिए टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारी परेशानियां प्रशासन के सामने ये भी आ रही हैं कि जबलपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या पूरे मध्य प्रदेश में ही कि जो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में चले जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं या दूसरे व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनके जिले में रहते तो जरूर है, उनके आंकड़े में रहते जरूर है, लेकिन वैक्सीन उनको नहीं लग पाती है। और यह स्थिति खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आ रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लोग रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो अब ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाने की वजह से 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट प्रशासन कह रहा है वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 90% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट आज जबलपुर में हो जाएंगे, खासकर पहले डोज को लेकर। ये बात खुद प्रशासन भी स्वीकार रहा है कि अब हम वोटर लिस्ट के आधार पर वैक्सीन लगाने वाले लोगों को चुन रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में 18 साल से ऊपर के लोगों का नाम रहता है और हर एक बूथ स्तर तक में हर एक घर की सदस्य संख्या तक मौजूद रहती है कि एक घर में कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं। तो ऐसे में वोटर लिस्ट के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए। इस केंद्र में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। वैक्सीन लगवा रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका पहला डोज है, सेकंड डोज है? मेरा सेकंड डोज है। सेकंड डोज है, पहला डोज आपने लगवा लिया था? जी पहले लगवा लिया। आपने आपके दोस्त भाइयों में घर में सभी लोगों ने लगवाया? हाँ, मेरे परिवार में तो सभी लोगों ने लगा लिया और आसपास लोगों ने भी सभी लोग लगवा लिए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये सभी लोग आ रहे हैं और ये पहला डोज है, किसी का सेकंड डोज है, किसी का फर्स्ट डोज है, लेकिन आज जिस केंद्र में मौजूद रहा इसमें सेकंड डोज वालों की संख्या ज्यादा मुझे नजर आई, पहले डोज को लेकर लोग अभी कम आ रहे हैं, तो ये एक परेशानी है कि ये शहरी केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो वहां पर पहले डोज को लेकर भी प्रशासन को, जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है, बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं अभी प्रशासन के सामने जो फंसी हैं, और जो 100% यानी कि एक किसी गांव में यदि 10,000 की आबादी है तो 10 के 10,000 को वैक्सीन लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे दूसरी परेशानियां भी होती हैं। जी, प्रशासन की कोशिश ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को ढूंढ कर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वो कोशिश आज पूरे दिन भर चलेगी। बिल्कुल, जबलपुर की हमने बात की, भोपाल का अगर जिक्र करें, भोपाल में जैसा कि दीप्ति आप हमें बता रही थी कि यहाँ पर 100% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो दूसरी डोज को लेकर जैसा कि आप कह रही थी जागरूकता कितनी देखने को मिल रही है, और अगर जागरूकता कम है लोगों में तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, सेकेंड डोज भी लग सके, और जनप्रतिनिधि भी लगातार आगे आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं? you
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पहला डोज लगा इसका मतलब कि अवेयरनेस तो पूरी है, लेकिन दूसरी रही बात कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज को लेकर जरूर कहीं ना कहीं उदासीनता है। तो जो तैयारियां हैं, जो सरकार ने पूरे सिस्टम बनाए हैं पूरे वैक्सीनेशन महाअभियान में, वो अपने आप में बता रहा है कि टारगेट को पूरा करने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए कितनी मेहनत की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 620 टीमें बनी हैं जो अलग अलग जगह वैक्सीनेशन कर रही हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी मुसीबत में भी ये पूरी टीम निकल कर जा रही है जो अलग अलग जिलों से आ रही है। और भोपाल की बात है तो इसमें जो सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी चीज रखी गई है कि अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ रहे हैं तो वैक्सीन लगाने वाला पूरी की पूरी टीम आप तक आएगी। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है इस चीज के लिए कि सरकार अवेयर भी कर रही है और सरकार आपके घर, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है दीप्ति की, अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर पर आकर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। अगर कोई वृद्ध है, कोई गर्भवती महिला है तो घर पर टीम आती है, स्वास्थ्य कर्मी आपके घर पर आते हैं, आपको वैक्सीनेट करके जाते हैं। तमाम जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दीप्ति भोपाल से जुड़ी थी, हम विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े थे और जबलपुर से भी दुर्गेश जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें भी दिखाने के लिए कि वैक्सीनेशन को लेकर जो महाअभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा था और किस तरीके से जो है ये महाअभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।